हम आगे पढ़ते हैं, निर्धन के पास माल नहीं रहता परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ लिखा है कि निर्धन के पास माल नहीं रहता। निर्धन के पास कौन सा माल नहीं रहता? जो अधर्मी, जो मूढ़ लोग हैं, उनके पास परमेश्वर का वो स्वर्गीय धन नहीं रहता है। लेकिन जो अपने परिश्रम से यानी अपनी इच्छा से, जैसे प्रभु ने कहा कि तुम अपने पहले उसके धर्म और राज की इच्छा करो या उसकी खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तो हम जब उसकी खोज करते हैं, उसके लिए परिश्रम से अपने लिए वचनों को बटोरते हैं, उसकी शिक्षाओं को बटोरते हैं, तब उसकी बढ़ती होती है, हमारे स्वर्गीय धन की बढ़ती होती है, हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो उसका मन शिथिल होता है, परंतु लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। यानी कि जब हमें, जब मान लीजिए हमारे जीवन में कई बार ताड़ना है, परीक्षा आती है, तो हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां होती हैं और हमारी आशा पूरी होने में, अनंत जीवन की जो बातें हैं वो पूरी होने में हमें लगता है कि विलंब हो रहा है, तो हमारा मन शिथिल हो जाता है। लेकिन जब हमारी लालसा, यानी कि जब जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, हमारी लालसा क्या है? हमारी लालसा वो आशा है जो अनंत जीवन की है। जब वो पूरी होगी तो जीवन का वृक्ष लगता है, यानी कि तब जीवन का वृक्ष लगता है और जीवन के वृक्ष में से जो फल है उसे हम, उसको हम खाने पाते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसे पढ़ते हैं। आगे लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। तो अच्छा फल क्या? आज्ञा के डरवैयों को, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए अच्छा फल, यानी कि वो प्रतिफल जिसे प्रभु यीशु मसीह देने आने वाला है। प्रभु ने कहा, देख शीघ्र अति शीघ्र मैं आने वाला हूँ और हर एक के कार्यों के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है। तो वो प्रतिफल हमें मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। शुद्ध बुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वास घातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर ज्ञान के काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्ता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होती है। जो शिक्षा की सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और उसका अपमान होता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्ता फैलाता है। तो सब चतुर कौन है? चतुर वो ही है जो परमेश्वर को मानता है, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लेकर के चलता है, उसका डरवैया होता है, उससे प्रेम रखता है। तो हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसको हमें ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, हम इसको पहले भी कई बार डिस्क्राइब कर चुके हैं। यानी जो परमेश्वर के वचन को और उसके वचन की ताड़नाओं को अपने जीवन में लेता है उसी की महिमा होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे 19वें वचन से लेकर के आप 25वें वचन तक आप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं केवल 24वें वचन को यहां डिस्क्राइब करूंगा, बाकी आप अपने आप से पढ़ के समझ सकते हैं। मैंने पूरे अध्याय को एक एक वचन से आपको पढ़ा। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।